जब हम सही से ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी भी चीज को ठीक तरीके से वॉच करते हैं, तो मैट्रिक्स अपनी पावर लूज कर देती है। मैट्रिक्स का मतलब है माया जाल। यहां पर हम सब किसी ना किसी मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, चाहे वो मैट्रिक्स हो गई हो जन्म मृत्यु की, चाहे वो मैट्रिक्स हो गई हो रिलेशनशिप की, चाहे वो मायाजाल हो गया हो किसी हैबिट का। हम सब अपने आप को एक एक बंधा हुआ पर्सन महसूस करते हैं। बहुत सारी चीजों ने हमें घेरा हुआ है, लेकिन ये जो घेराव है, ये जो हमें घेरा हुआ है मैट्रिक्स ने, इस मैट्रिक्स का कोड ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बंधे हुए हैं, आप बॉन्डेड हैं। और ये चीज कैसे पता लगेगी कि आप बंधे हुए हैं, आप बॉन्डेज में हैं? आप जब फ्री नहीं होगे ना, आप जब बॉन्डेज में होगे, तो आपके अंदर, जब आप खुलकर नहीं जी पाओगे, तो आपके अंदर इरिटेशन होगी, आपके अंदर फियर आएगा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी। आपको आपको 100% एनर्जी फील नहीं होगी। तो इस मैट्रिक्स से, बहुत तरह की मैट्रिक्स हैं, फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, ठीक है, रिलेशनशिप जैसे मैंने बताया भी मैट्रिक्स है, और किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो मैट्रिक्स है, कोई लॉस हो गया हो, ये सब मायाजाल जो है। अब इसका कोड ब्रेक करने का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो क्या है? वो है एक सही ऑब्जर्वेशन, एक सही तरीके से ऑब्जर्व करना, एक सही तरीके से देखना। यहां पर ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई सिखा देगा ऑब्जर्व करना, कोई आपको ऑब्जर्व करना नहीं सिखा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जो आपके दिमाग में डाल दी जाए कि कुछ शब्द मैंने बता दिए और उससे आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, उससे आप चीजों को देखना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही फ्रीडम से आती है, बहुत ही क्वाइट माइंड से होता है ये। जब आप वैसे रहते हैं जैसे आप एक्चुअल हैं, इसका कोई फॉर्मूला या तरीका नहीं है ऑब्जर्व करने का। मतलब कि आप कहीं भाग नहीं रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आप कुछ चुन नहीं रहे हैं, बस आप अपने शोर को महसूस कर रहे हैं, जो आपके अंदर शोर क्रिएट हो रहा है। डर भी एक शोर है। अगर हम बात करें इनसिक्योरिटी, ये भी एक शोर है। आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, ये सारी चीजें क्या है? शोर है। तो जब कहीं शोर होता है, या बाहर का भी, अगर हम कहीं बाहर कोई कोई साउंड बज रहा होता है, कोई बाजा बज रहा होता है, कहीं शोर होता है, तो शोर की जो आवाज है वो अपनी आप हमारे पास आती है, हम नहीं जाते उस आवाज के पास, वो आवाज अपने पास हमारे पास आती है। या फिर हमारे अंदर कभी कोई लस्टी डिजायर हो, कोई कोई कामुक डिजायर हो हमारे अंदर, तो ये शोर हमें पता लगने लगता है कि हमारे अंदर ये शोर है, और वो शोर जो है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे होते, वो शोर खुद हमारी तरफ आ रहा होता है, हमारे पास आ रहा होता है। तो जब कोई चीज, कोई शोर जब हमारे पास आ रहा होता है, तो हम उसको देखें, ये नहीं कि जबरदस्ती देख रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं उसको देखने के लिए, नहीं। जब वो शोर हमारे पास आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं पूरा कंप्लीटली, हमने देख लिया उस शोर को। वही शोर, वही साउंड जो है, वही नॉइस, फिर वो साइलेंस में बदल जाता है। यस। और जब ये नॉइस साइलेंस में बदल जाता है, जब ये सारे एक्सप्रेशन साइलेंस में बदलने का मतलब है, ये सारी जो बनावट है, ये सारे जो एक्सप्रेशन है, ये अपना आकार गिरा देते हैं, ये अनएक्सप्रेस, मतलब ये अपनी शेप फॉर्म खो देते हैं, ये अपना पोटेंशियल खोकर एकदम न्यूट्रल और नथिंग हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। फिर ही हमें परेशान नहीं करते, यानी फिर हम मैट्रिक्स से बाहर आ गए। मैट्रिक्स क्या है? ये फॉर्म, ये बनावट जो हमें रियल लग रही है, हमें लग रहा है ये सब कुछ सच सच है,
तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन एक्चुअल हमारा नेचर क्या है? हम अगर खुद को भी देखें, डेथ आएगी, एवरीथिंग इज नथिंग, कुछ है ही नहीं। तो जब जो चीजें हमारे सामने चल रही है उनको हम बहुत कुछ देखने लगते हैं, बहुत कुछ मानने लगते हैं, बहुत कुछ जानने लगते हैं, बहुत कुछ समझने लगते हैं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। तो उतना ही हम मैट्रिक्स में फंसते चले जा रहे हैं। और जब हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, सही ऑब्जर्वेशन इस मैट्रिक्स को, इस मायाजाल से हमें बाहर निकाल देती। तो व्हेन यू ऑब्जर्व क्लियरली, मैट्रिक्स लूजेस इट्स पावर, मैट्रिक्स अपनी पावर खो देती है। और देखो, चीजें चलती रहेगी, हमारी लाइफ का कुछ पता नहीं है। हम सब बहुत सारी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना आपको, कि आप यहां पर अब आप मुक्त होकर ही जाएंगे। और ये सारी चीजें मैट्रिक्स का हिस्सा ही है। आप सोच रहे हैं बिजनेस है, पैसा है, ये सारी चीजें, वन टाइम पेमेंट है 5,000, 5,000, 5,000 रुपए में आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस दूंगा मैं, बेसिक कंसेप्ट, थ्योरी चलेगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो। डेली आपको मेडिटेशन वीडियो मिलती रहेगी, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए डेली मेडिटेशन वीडियो, ध्यान, जिसमें आप एक्चुअल ध्यान करना, ऑब्जर्वेशन, ये जान पाएंगे। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां पर जाएं और इस प्रोग्राम, इस कोर्स के बारे में जानकारी लें। थैंक यू वेरी मच।